शीतल देव प्रसाद गुप्ता, बीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। मोबाइल नंबर ये लिखा है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतल देव प्रसाद गुप्ता, बीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। गुरु जी, शिव महापुराण का मैं क्या वर्णन करूं, मैं क्या बताऊं। 2021 सितंबर का महीना, 5 तारीख, मुझे हार्ट अटैक हुआ। तब हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सारे परिवार वाले मुझको हॉस्पिटल लेकर गए। 5 दिन तक आईसीयू में भर्ती कर रखा, फिर रेफर कर दिया हमको काठमांडू के लिए। काठमांडू के हृदय गंगालाल अस्पताल में भर्ती करा गया। वहाँ पर जांच प्रारंभ हुई और 3 ब्लॉकेज आए, एक 100%, एक 80%, एक 60%। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ब्लॉकेज हैं। तभी परिवार के लोगों ने कहा, थोड़ा सा रुक जाओ, हम 8 दिन का समय दो, हम ऑपरेशन करा लेंगे। 8 दिन का समय मांगा गुरुदेव और बाबा से प्रार्थना करी। आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनते थे टीवी पर, आपने शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लाकर पीने का वर्णन करा, और एक बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंद कैश्वर महादेव के नाम से खाने का कहा। हमने उसी दिन से वो जल चढ़ाकर और कुंद कैश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, और 6 महीने के बाद में फिर वापिस जांच कराई, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी सारी ब्लॉकेज समाप्त हो गई है और तुम्हारा हार्ट काम करना प्रारंभ कर दिया है और तुम ठीक हो गए, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। ये वो कृपा करता है तो अपने आप सब कार्य सफल होते चले जाते हैं, जब तक वो कृपा ना करे तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है, और ये उसी की